तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की तारीख है 6 अक्टूबर और आज का दिन शुरुआत हो रहा है हमारा यहाँ अहमदाबाद में। पर जो हमारा स्टे है वो गांधीनगर में है। हम रात को लेट आए थे, तो जो बॉयज़ की टीम और जो कोचेस का स्टे वो यहाँ है और हम ऑफिशियल्स का स्टे वहाँ है। तो इस वजह से मैंने रूम टूर नहीं दिखाया था पिछले व्लॉग। रूम टूर या शांति से ओके नहीं है, कंट्रोल। तो इस व्लॉग में मैं अपना रूम टूर दिखाऊंगी और आज मैचेस हैं हमारे। परसों से शुरू है और आज मीटिंग है हमारी, ऑफिशियल्स की मीटिंग होगी। कल सारी टीम्स वगैरह आ जाएंगी और हमें कल किट मिल जाएगी। कल किट रात को हम यहाँ इस होटल में आए थे। ये कोचेज और प्लेयर्स का स्टे है, हमारा स्टे नहीं है। तो हम अपने स्टे पे जाने के लिए यहाँ खड़े हैं। कोई व्हीकल आएगा, कोई बस वगैरह ये देंगे तब पता चलेगा। चलो चलते हैं, देखते हैं, बताते हैं आपको कि कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते। हम यहाँ अपने स्टे पे पहुँच गए हैं। दीदी चेक इन करा रही हैं। ये इसका बाहर का व्यू है, तो अंदर रूम भी बहुत मस्त मिलने वाले भाई। तो गाइज हम यहाँ रूम पे पहुँच गए हैं और रूम देख के मेरा जो मूड इतना सही हुआ है ना, गला खराब हो गया बट मूड बहुत अच्छा है मेरा। और अभी हम चेंज कर लेते हैं, कल से ट्रैवल कर रहे हैं इन्हीं कपड़ों में, तो नहा धो लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, फिर आपको रूम टूर कराएंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। दीदी क्या आप, बस आप ये बता दो आपको कैसा लगा और एक वर्ड में बता दो कि ये रूम कैसा है। मस्त। मस्त मतलब मस्त भी बहुत छोटा वर्ड है इसके लिए। तो मैं रूम दिखाऊंगी, ठीक है। मतलब और यहाँ ऐसी ऐसी चीज है ना, मेरे को मतलब हम पूरा बताएंगे कि उस चीज को देख के हमें क्या रिएक्शन है। मैं तो समझ नहीं आया भाई क्या है ये। मतलब भले हम चेंज कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं। तो गाइस अब कराती हूँ मैं आपको रूम टूर, ठीक है, चलो मेरे साथ। है ये शू रैक और ये इधर आ जाता है, यहाँ पे हमारे कपड़े, हम अपने कपड़े रख सकते हैं। और देखो यहाँ इन्होंने हमें प्रेस भी दी हुई है और ये लॉकर है, इसमें तुम पासवर्ड सेट करके अपनी कीमती चीज रख लो। और ये है मैट वर्कआउट करने के लिए, एज यू नो इनको पता था कि नेहा आ रही वर्कआउट करेगी, तो इसलिए उन्होंने मैट रख दिया यहाँ पे। मैं ना आपको एक चीज दिखाती हूँ। मैंने ना जब ये देखा ना, मैं कंफ्यूज हो गई यार, ये क्या है। मैंने सोचा कि इनका दीदी वर्कआउट करने के लिए तो नहीं है कुछ। तो जब खोला ना, जब पता चला वो टेबल होती ना प्रेस करने वाली, ये वो है। तो आगे जाके यहाँ ये आता है और ये, हाँ तो ये वर्कआउट के लिए कॉफी, दूध, सब कुछ। और ये कप यार, ये कप ना ज्यादा बड़े से, छोटे से होते ना मैं अपने घर ले जाती। और यहाँ आता है बाथरूम। ये बाथरूम है, यहाँ अंदर शावर लेना है, यहाँ पॉटी करनी है। और ये मिरर है, और ये मेकअप मिरर है, इसमें हम देख के मेकअप करेंगे, इसमें सिर्फ हमारे फेस पे फोकस होता है। और ये तो मेरा सामान है, इसमें टिश्यू, इसके अंदर पता नहीं क्या है, शायद ही नेल पेंट रिमूवर तो ना है, साबुन है, और ये सारी शेव के टूथपेस्ट भी हम तो घर से लाए हैं सब कुछ। और ये हमारा सामान जो हम घर से लेके आए, ठीक है, पानी की बोतल बाथरूम में भी है, ये हमारी किट है। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है, ये है फ्रिज। ये हम घर से चॉकलेट्स वगैरह लेके आए हैं और पानी हमने इसमें रख दिया, ठंडा ठंडा पियेंगे। और जब मार्केट जाएंगे, मार्केट से कुछ सामान लेके आएंगे, ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह इसमें रख देंगे। और यहाँ आके ये है रूम, वाइब देखो भाई आप रूम की, ओ माय गॉड। और ये हमारे बैग्स रखे हैं, ये है टीवी, और ये है हमारे काम करने की जगह, हमारी ऑफिस टेबल, हम पढ़ेंगे, और ये चिल आउट करने की जगह है, हाय। और ये भी एक मिरर है। और अब सबसे मेन चीज कमरे की, भाई साहब दीदी ने पहली बार देखा ना, दीदी को ओह माय गॉड मुझे चक्कर आ रहे हैं। दीदी को हाइट से थोड़ा प्रॉब्लम है,
ये देखो व्यू देखो भाई आप। और ये ना यहाँ सामने ही ना वो है रेलवे स्टेशन। ये नहीं पता कि रेलवे स्टेशन कौन है। तो हम रात को यहाँ नहीं आए थे, ये थोड़ा दूर है जहाँ सर का स्टे है, तो हम वहीं रुक गए थे। तो अब आए हम यहाँ पे और व्यू देखो भाई, ये देखो रूम। हमारी जो मीटिंग है वो शाम को है, क्योंकि जो और भी लोग हैं बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, एपी से केरला से बहुत दूर दूर से, तो शाम तक आएंगे सारे ऑफिशियल्स। शाम को मीटिंग होती है, देखते हैं शाम को ही किट दे दें, वरना कल तो मिल ही जाएगी किट। कल के किट में हम आपको, कल के किट की कह रही हूँ, कल के व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमारी पूरी ऑफिशियल किट कैसी है और हमें क्या क्या मिला है। ये तुम यहाँ चिल आउट कर सकते हो और लुक एट द व्यू। अच्छा है दीदी, दीदी को तो चक्री आ जाएगी। लंच टाइम हो रहा है, हमने मंगाया लंच जिसमें करेला ला, करेला करेला हमने सब्जी नहीं मंगाई क्योंकि करेला हमारा अब तक चल रहा है, और रायता एंड दैट करेला। शाम के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ हम ग्राउंड पे, और यहाँ ग्राउंड की मार्किंग वगैरह ये सब हो रहा है। दिखा देती हूँ, इधर होगा लड़कों का ग्राउंड और ये है लड़कियों का ग्राउंड, और मीटिंग भी हो चुकी है और हमारे कपड़े मिलेंगे कल, कपड़े का यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म कल मिलेंगे। फिर अब डिनर करेंगे, कितने बजे मिलेगा डिनर? 9 बजे 7:30 डिनर मिलेगा, देखते हैं डिनर में क्या मिलता है। तो गाइज टाइम हो रहा है 8:00, 9:00 हमें हमारा डिनर मिलेगा, तो 1 घंटे पहले हम कर रहे हैं यहाँ वर्कआउट, दीदी कर रही है यहाँ पे तो पागल है और मैं करूँगी यहाँ पे। वर्कआउट हो गया है और 9:00 हैं और अब हम चेंज करके नहा धो के डिनर करने चलेंगे। दिखाते हैं हमें डिनर में क्या मिलेगा। थोड़ा सा ही वर्कआउट किया था, बस एब्स का ही वर्कआउट किया था हमने, एब्स ही करेंगे हम, यहाँ मोटे नहीं आएंगे ठीक है। अपने ऊपर वेट को मतलब फैट को हावी नहीं होने देंगे। मैं तो फिट हूँ। हाँ मैं भी फिट हूँ। कैसा है दीदी? मसाला। और ये मेरा डिनर है, पुलाव पनीर कॉर्न पालक, मैंने तो पहली बार देखा, और ये सैलेड। मुझे ये कॉर्न की सब्जी इतनी, पालक कॉर्न इतनी टेस्टी लगी, मैं और ले आई चावल के साथ। दीदी भी लेके आई है विद पनीर। सही है, बहुत टेस्टी है यार। दोबारा बोलो। बहुत टेस्टी है। अगर इसे बाहर होगा ना तो हम फिर इसमें नोट करेंगे किसको क्या क्या नहीं मिला। मैं वैसे दिख रही हूँ कि क्या कमी है, मतलब साइज। तो गाइज टाइम देख लो, दिख रहा होगा 1:12 हो रहे हैं और मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ। इतना लेट हम इसलिए सो रहे हैं, आपने वो क्लिप देख ली होगी, हम जितने भी यहाँ ऑफिशियल्स वगैरह आ रहे हैं ना, तो उनकी जो ब्लेज़र किट वगैरह मिलेगी वो सब साइज़ वाइज अरेंज कर रहे थे, और टोटल जो है 50 आ रहे हैं, तो 50 की अरेंज करने में टाइम लग गया बहुत। तो हम बहुत नींद आ रही है, बहुत थक गए हैं, सुबह भी उठना है। तो व्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ, व्लॉग एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है, तो प्लीज़ मुझे लाइक कर देना, जो जो भी मेरी वीडियो देखेगा वो लाइक कर देना प्लीज़। बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में, मिलते हैं अगले व्लॉग में।